हेलो गाइड्स, मैं नीला आगे बोल आपके लिए लाई मिर्ची बरसम समोसा। बड़ी मिर्ची समोसा ले आई हूँ, बड़ा हमसे मिसा। ये देखिए मिर्ची, बड़ी मिर्ची मिलती है आजकल का ठंड में, तो ये मिर्ची को आके उसका बीच का हिस्सा खाली निकालेंगे। देखिए आगे इसका हिस्सा काट दिए, अब इसका बीच का हिस्सा निकालेंगे। देखिए अब इसका बीच का हिस्सा चम्मच के द्वारा निकालेंगे ऐसे, आगे नीचे का किनारे का, फिर बीच का हिस्सा ऐसे कर सबका मिर्ची निकाल लेंगे। देखिए मिर्ची काट दी हो, अब इसको थोड़ा सा उबाल लेंगे, एक सेकंड दो सेकंड के लिए उबाल लेंगे, क्यों मिर्ची गड़ी गड़ी रहती है, खाने में मज़ा नहीं आता है। थोड़ा नरम रहेगा तो खाने में मज़ा आएगा, स्वाद आएगा। अगर आप ऐसे भी तल सकते हैं इसको, ऐसे भी कच्चा मिर्च तल सकते हैं। मैंने 2 मिनट के लिए उबाल लिया है, थोड़ा सा नरम हो जाएगा, अच्छा लगेगा। इसको 2 मिनट के उबाल के इसको निकाल देंगे। बैटर बनाने के लिए सबसे पहले 2 कप मैदा लेंगे, उसमें ज़्यादा सा नमक गिरेंगे, इसमें तेल हिसाब से गिरेंगे, मैक्सिमम 7-8 चम्मच गिरेंगे, जहाँ मुट्ठी हो जाए, जैसे सवाली में करते हैं वैसे ही इस आटा उससे सुनेंगे, मुट्ठी हो जितना हो, हाथ में मुट्ठी हो जाए उसे। देखिए 2-4 टोपा भी नींबू गिरेंगे ताकि ना ये फुलका नहीं हो। देखिए अब पानी देके उसन देंगे, हार्ड नरम भी नहीं होगा, हार्ड भी नहीं होगा, बीच थोड़ा सा हार्ड होगा नरम से। देखिए डो बन गया है, अब इसको आधे घंटे के लिए रख देंगे। देखिए अब आलू को उबाल लिए हैं, आधा आलू ले लिया, आधा किलो आलू ले लिया, उसको उबाल लिए हैं, उबाल के छील लिए हैं, अब उसको मैश करेंगे। यहाँ सब्जी भी छोटी छोटी काट दी है थोड़ा थोड़ा लेके, गाजर मिर्च हुई और गाजर शिमला मिर्ची मटर ये सब देखकर मिक्स जो भी सब्जी आप डाल सकते हैं, मूली नींबू ये सब काट कर छोटे छोटे काट देंगे, उसको उबाल लेंगे थोड़ा सा, नहीं तो सेक लेंगे घी में। देखिए मैश कर लेंगे इसको इस तरह, ज़्यादा मैं ज़्यादा थोड़ा मोटा मोटा भी छोड़ेंगे, थोड़ा पतला थोड़ा ये करके छोड़ देंगे। अब तेल ले लेंगे, मैक्सिमम 8-10 चम्मच लेंगे तेल, लेके इसको गर्म करेंगे। देखिए तेज़पत्ता डालेंगे, अब इसमें अदरक डालेंगे, देखिए अदरक डालेंगे तो थोड़ा सा सिक जाए, तो सब्ज़ी डाल देंगे, ये सब्ज़ी उतारती है तो थोड़ा थोड़ा काट के, आप इसे सादा भी बना सकते हैं, तो इसमें हाथ खाली अदरक जैसे फेंकी है और आलू से। देखिए इसमें गरम मसाला आप नमक 1 चम्मच गिरना है छोटा वाला, मिर्ची अपने स्वाद के अनुसार, चाट मसाला 2-3 चम्मच गिरना है अपने टेस्टी के अनुसार, और नमक नमक स्वाद के अनुसार गिरना है। फिर इसमें देखिए गाजर सीखी है, अब ज़्यादा सिक्का नहीं, ठीक ठीक सिक्का है। अब देखिए अब इसमें आलू ऐड कर दिया, आप तीखा मैं तीखा मिर्ची तो तीखी रहती है, अपने स्वाद के अनुसार मिर्ची गिरेंगे, बहुत टेस्टी लगती है। अब जो कच्ची मिर्ची से गिरना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मिर्ची है इसमें ऑलरेडी है तो आप देख कर गिरेगा, आपको जितना मिर्ची देंगे। अच्छा मसाला डाल दिए, अब थोड़ी देर कच्चे हूँ ज़्यादा नहीं, वैसे धनिया भी गिर देंगे। देखिए धनिया डाल दिए 2 चम्मच, अब इसको मैश करेंगे जिसे 5-10 मिनट चलाना, ज़्यादा नहीं, क्योंकि पूरा एकदम कलर अच्छा आने लग जाए मसाला का। इसको ठंडा करने रख देते हैं, जब पूरा ठंडा हो जाए तब इसका शिमला मिर्च डालेंगे। अभी आटा देखिए बेटर डोस रेडी हो गया है, अब डोस को ना तो टान है ना नरम है, बीच में फिर भी थोड़ा सा टांग लेना पड़ता है इसको। अब देखिए ये मिर्ची को थोड़ा सा उबाल ली ताकि ना घोल यानी बैटर नहीं निकले और अच्छा भी लगेगा टेस्टी खाने में, तो इसलिए
खाते समय वो देखिए कमती डालेंगे, ज़्यादा नहीं, ताकि भीतर तक इसमें सब में डाल देंगे थोड़ा थोड़ा। रोटी है, सब्जी है, थोड़ा थोड़ा डालेंगे थोड़ा में। देखिए मसाला भरती हूँ, अब इसका आटा को छोटा 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 लोया लेंगे इस तरह। अब इसको बेल देंगे, मैं छोटा लोया लेके इसको बेल लेंगे। देखिए पतला बेल दी हूँ, अब इसको पानी लगा देंगे। पतला पतला काट लेंगे, देखिए इस तरह पतला पतला। देखिए मिर्ची इसमें पानी लगा दिया सा, ताकि ये चिपक जाए मैदा। देखिए ऊपर से जब करेंगे इस तरह, रब करते जाएंगे, चिपते जाएंगे। इसमें पानी लगा हुआ ऑलरेडी, और इसे लगा देते हैं ताकि अच्छे से चिपक जाए इस तरह। थोड़ा तो छोड़ते हुए लगाएंगे, नीचे नीचे करते जाएगा। देखिए एक एक प्लेट लगाते जाएगा। देखिए आप पेजी से बता रही हूँ आपको, इस तरह पतला बेल, देखिए इस तरह कटिंग कर लेंगे। देखिए अब इसमें पेजी से पानी लगा देते हैं, एक एक लीटर में लगाती जाऊँगी। ऊपर से स्टार्टिंग करेंगे, देखिए इसको आगे ऊपर से फिलिंग करेंगे। इस तरह तो मैं प्रेस कर देंगे, फिर इसमें पानी लगा के फिर उसे इसमें लगाएंगे। इस तरह सारा में कर दीजिएगा, तो बहुत टेस्टी लगता है, बहुत मज़ा भी आता है खाने में, और ठंड के दिन में तो ज़्यादा अच्छा लगता है। इसको मिलाइए खाइए, जो तीखा खाने वाला है तो उसको और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। देखिए गेस्ट भी आए तो उसको स्टाइलिश लगेगा, तो मैंने यहाँ पर खुआइए इस तरह सारा में लगा देंगे। मुझे 10 मिनट लग गए, अब इसका तलेंगे, इसको तलेंगे। देखिए इस तरह तल लेंगे, इसका आटा भी निकाल कर रख सकते हैं, फिर थोड़ी देर बाद जो जब खाएंगे जब आप फिर तल लीजिएगा। देखिए आप इस तरीके समोसा बन गया है।